इंदौर के वार्ड 83 में हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले इस वार्ड के मतदाताओं ने परंपरा का निर्वहन करते हुए भाजपा प्रत्याशी को ही जीत दिलाई है। यहां से चुनावी मैदान में भाजपा के जीतू राठौर ने 4,255 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार विकास जोशी को 2,235 वोट ही मिले। इंदौर के वार्ड 83 में हुए उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा ने परचम लहराया है। पहले भी यह सीट भाजपा की झोली में ही थी और कमल लड्डा यहां के पूर्व पार्षद थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, इस कारण उपचुनाव हुए थे। आज मतगणना हुई जिसमें भाजपा प्रत्याशी जीतू राठौर की जीत हुई। इस वार्ड से भाजपा के जीतू राठौर को 6,490 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार विकास जोशी को 2,235 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार 4,255 वोटों से चुनाव जीत गए। वहीं 173 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। यहां 21,000 से अधिक मतदाता थे, लेकिन मतदान केवल 41.32% ही हुआ था। फलस्वरूप जीत का अंतर भी कम ही रहा। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इस वार्ड में मतदाताओं ने चुनाव में भी ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जनता का, मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला है और उनके जो उन्होंने मुझे मत दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरना मेरे लिए। वार्ड में बहुत सारी कमी है, आप किस तरह से आप पूरी करेंगे? निसंदेह है जल्दी से ही अब काम चालू करने से और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी होगा। हम सब जितनी समस्याएं कर रहे हैं, कुछ वार्डों में बहुत बड़े बड़े काम हैं, जैसे टैंकरों के लिए पानी के लिए परेशान होते हैं, वो वार्ड वासियों को किस तरह से आप बधाई देंगे और किस तरह से मेहनत करेंगे? जितनी लाइनें अभी जोड़ नहीं पाए हैं उन लाइनों को जोड़ेंगे। पानी की पूरी पहले सबसे मेरी प्राथमिकता यह रहेगी पानी की समस्या को। किस तरह से करेंगे ये काम? जो L&T की वजह से जो लाइनें अभी जुड़ी नहीं है, पुरानी लाइनों से पानी सप्लाई हो रहा है, उसको हटा के नई लाइन से सप्लाई करवाएंगे ताकि पानी की समस्या, घर घर जाएंगे, उनकी समस्या देखेंगे और उनको हल करने की तत्काल कोशिश करेंगे। सभी मतदाताओं, सभी भाइयों, सभी कार्यकर्ता, सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सदैव उनकी के साथ में खड़ा रहूँगा। बहरहाल इस वार्ड से 6 उम्मीदवार मैदान में थे, सभी को पछाड़ते हुए जीतू राठौर ने यहां जीत हासिल की। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।